हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय न्यू ट्यूटोरियल। दोस्तों कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से दोस्तों अपने इस व्लॉग वीडियो में फ्रेंड्स मैं जाने वाला हूँ राजीव नवागांव। दोस्तों हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अपना पिछले जो व्लॉग था मूर्तिकार कृष्ण चक्रधारी जी के यहाँ का, वो काफ़ी अच्छा व्यू गया था और सब्सक्राइबर भाई लोग कमेंट भी किए थे भैया कलर होने के बाद जाना करके। तो आज है दोस्तों 5 सितंबर, तो इसी सिलसिले में हम निकलते हैं राजिम के लिए। देखते हैं कि वहाँ का कितना मूर्ति जा चुके हैं कि नहीं और कितना मूर्ति कलर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे राजिम। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया हूँ त्रिलोक, यहाँ मतलब मूर्ति कृष्णा चक्रधारी जी के यहाँ के वर्कशॉप पर। यहाँ से मूर्ति है जो कि देख सकते हो दोस्तों, फाइनल टचअप देना बाकी सभी मूर्तियों में, आग खोलना बाकी, बाकी पूरा वर्क हो चुका है। तो ये देखो बजरंग बली जी जो कि पूरा स्टोन वर्क हुआ इस पर। यहाँ पर ये देखो गणपति बप्पा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गणेश जी जो कि नंदी बैलों पर विराजमान है इस प्रकार है। और दिखाते हैं आपको हम एक, ये देखो दोस्तों ये तो बैकग्राउंड में धूप के जैसे उतना अच्छा से नहीं आ रहा होगा। ये देखो ये भी जो कि फेस है जो हाथी वाला है, और गणपति बप्पा का जो कि बॉडी है वो इंसान वाला है, कुछ इस प्रकार है। और ये कौन सा थीम पर है दोस्तों, अभी कवर है जो कि पिछले वीडियो आप बना रहे तो दिखाएं आपको। चलिए इस साइड और मूर्ति, इस साइड चलते इस साइड दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखो भोले बाबा जी जो कि पूरा कलर ब्लू कलर के कलर मतलब पेंट में कलर हुआ है, और बाकी आँख वाँख खुलना बाकी इसमें लगभग 90% वर्क हो चुका है। फाइनल टचअप देने हैं, इनको धोती पहनाएंगे कुछ इस प्रकार। और एक ये देखो दोस्तों काफ़ी यूनिक मूर्ति बना हुआ है यहाँ का, जो कि गार्डन वाला थीम पर मतलब वाटिका वाले देख सकते हो, जो कि पेड़ बने हुए, पेड़ पर पेड़ के जो छांव रहते तो उस पर विश्राम कर रहे हैं राम जी, श्री राम भगवान, और साइड में हनुमान जी। और देखो जो पेड़ बना हुआ आर्टिफिशियल वाला ग्रीनरी जो कि काफ़ी यूनिक बना हुआ, बंदर विराजमान है, देखो बंदर बैठा हुआ है एक, और एक ये क्या नाम मयूर है दोस्तों। तो देखो काफ़ी यूनिक बना हुआ है पेड़, जो कि काफ़ी गजब का मूर्ति बना हुआ है, जो कि गणपति बप्पा का मतलब टकलू वाला शेप में बना हुआ है, और बैकग्राउंड में केला दिए हुए हैं। बाकी फाइनल टचअप हो देने बाकी अभी, मतलब 70% वर्क हो चुका है दोस्तों इसमें कलरिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइड का मूर्तियाँ दिखाते हैं हम आपको। ये है दोस्तों उनका सेट राम दरबार का, जो कि काफ़ी गजब के बन रहे हैं, मतलब जंगल वाले थीम पर बना है। बहुत सारे हाथी, छोटे छोटे बच्चे मतलब हाथी के और चूहे के, और गणपति बप्पा जो कि इस पर भी आग बनाना बाकी है, और उसके साथ जाएगा दोस्तों वाला मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, एक ये देखो दोस्तों भाई मूर्ति तो कॉमन है, बाकी बैकग्राउंड का जो पेंटिंग उनको देखो एकदम पूरा प्लेनेट बना हुआ है दोस्तों, बहुत सारे ग्रह देख सकते, काफी यूनिक तरह के पेंटिंग हुए यहाँ पर भी। और ये देखो शिव जी के अवतार में गणपति बप्पा। आगे बढ़ते हैं, एक ही वाला देखो, तो इस साइड की मूर्ति देखो दोस्तों, जो कि पिछले बार आए थे ना तो इस पर मिट्टी वाला वर्क हुआ था, इस बार आने से लगभग 90% कलर का काम कंप्लीट हो चुका है, और देखो काफ़ी गजब के लग रहा है। इस पर फाइनल टचअप देना बाकी, आँख वाक बनने, अगर स्टोन वर्क होगा तो स्टोन वर्क भी होगा इस मतलब करने बाकी है। तो देख सकते हो दोस्तों कृष्ण राधा के थीम पर बन रहे हैं गणपति बप्पा और रिद्धि सिद्धि में से एक, जो कि डांस कर रहे हैं कुछ स्तंभ पर बना हुआ है, देख सकते हो काफ़ी गजब के लग रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही वाला मूर्ति देखो दोस्तों रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी है, जो कि सेट में तीनों ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही वाला देखो जो कि बजरंग बली है, गणेश जी को स्कूल ले जा रहा है कुछ इस थीम पर। देखो इनके कंधे पर बैठे गणपति बप्पा, और बैकग्राउंड में पेंटिंग हुआ जो कि काफ़ी प्यारा लग रहे हैं, और नीचे दो बच्चे भी बनाए हुए, दो बालक जो कि स्कूल जा रहे कुछ इस थीम पर बना हुआ है। और आगे एक ये मूर्ति दोस्तों, यहाँ पर यही मूर्ति है जिनका आँख खुला है अभी फिलहाल, क्योंकि भैया लोग समिति वाले आ गए हैं ले जाने के लिए, देख सकते हैं। और इस पर भी दोस्तों स्टोन वर्क हुआ, फाइनल टचअप दे रहे हैं मूर्ति को, फिर रवाना होगा दोस्तों रायपुर के लिए। ये वाला मूर्ति दोस्तों रायपुर में विराजमान होंगे। चलिए यहाँ का दोस्तों लगभग बहुत सारे मूर्तियाँ, तो बाकी मूर्तियाँ हम आपको सिनेमेटिक शॉट के द्वारा दिखाते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ का मूर्ति दिखा दी है। यहाँ पर भी है जस्ट साइड में एक और वर्कशॉप है, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ का एक बड़ा मूर्ति था दोस्तों जो कि राम मंदिर थे, मतलब वो यहाँ पर लोड हो चुके देख सकते हैं आप। और अभी तो मतलब पट्टी लग चुके हैं, कपड़े से बंध गए, इतना समझ नहीं आ रहा है, देख सकते हो अगर इतना समझ नहीं आ रहा। यहाँ चलते हैं, यहाँ का कुछ मूर्तियाँ उनको दिखाते हैं हम अभी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो दो रामलला लथिम परसाए थे दोनों गणपति। आगे चलते हैं, यहाँ का मूर्ति दिखाते हैं हम आपको। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वाला मूर्ति काफ़ी गजब के लग रहे, जो कि पिछले बार आया था तो इस पर मिट्टी वाला ही वर्क हुआ था। इस बार देखो लगभग 90-95% वर्क हो चुका है, फाइनल टचअप एवं आँख बनाना बाकी दोस्त, जो कि विष्णु भगवान का अवतार में बने हुए तिरुपति बालाजी वाले। आइट साइड में माता रानी रिद्धि सिद्धि जो माता रहते ना, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों साथ हैं। और गणेश जी को विष्णु जी के थीम पर बनाए हुए, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर एक बड़ा मूर्ति था वो निकल गए, हम आपको दिखाए गाड़ी में लोड है। एक ये वाला देखो, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा है। और वाइड एंगल इतना अच्छे से आ नहीं रहा दोस्तों क्योंकि पास पास मूर्ति। और एक ये देखो दोस्तों, काफ़ी यूनिक बन रहा है ये वाला मूर्ति, जो कि जादू वाले के थीम पर ऐसा कुछ है, देख सकते हो आप काफ़ी प्यारा बना हुआ है ये वाला मूर्ति। इसके साथ दोस्तों ये वाला मूर्ति जो कि श्री राम लल्ला के थीम पर बना हुआ है, काफ़ी प्यारा लग रहा है छोटा मूर्ति। अच्छा एक कठपुतली वाला खेल रहता है दोस्तों, उसके थीम पर बना हुआ है, जो कि गणेश भगवान कठपुतली खिलाने वाला बने, दो गुड्डे हैं उनको खिलाएंगे।